नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और ये है मोटो एज 45G और हम देखने वाले हैं इस फोन में मिलने वाले टॉप 10 हिडन फीचर्स के बारे में। ये सभी फीचर्स काफी शानदार और यूजफुल है, लेकिन काफी कम लोगों को इन फीचर्स के बारे में पता है। तो अगर आप एक प्रो यूजर की तरह यूज करना चाहते हो तो आपको सभी फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं उन सभी 10 हिडन फीचर्स को वन बाय वन। अगर आप अपने फोन में 5G यूज करते हो और अगर आपको लगता है कि आपका जो नेटवर्क है बार बार 4G पे स्विच हो रहा है, तो आप अपने फोन में 5G ओनली मोड को भी इनेबल कर सकते हो। मतलब कि आपके फोन में जो नेटवर्क है वो कभी भी 4G पे स्विच नहीं होगा, आपके फोन में हमेशा रन करेगा 5G। तो 5G ओनली मोड को इनेबल करने के लिए आपको जाना है डायल पैड में और यहाँ पे डायल करना है *#*#4636#*#*#। फिर इस पेज में आपको ओपन करना है फोन इन्फो को, तो फोन इन्फो को ओपन कीजिए। फिर यहाँ पे होगा ये ऑप्शन सेट प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप, आपको इस पे टैप करना है और सेट करना है इसे NR ओनली पे, तो सिलेक्शन कीजिए NR ओनली पे। तो हमने अपने फोन में 5G ओनली मोड को इनेबल कर दिया, मतलब कि अब मेरे फोन में कभी भी 4G पे नेटवर्क स्विच नहीं होगा, मेरा फोन हमेशा 5G पे ही रन करेगा। क्या आपको पता है आप बिना किसी ऐप को डाउनलोड किए व्हाट्सएप के डिलीट किए गए मैसेज को काफी आसानी से रीड कर सकते हो? तो उसके लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, नोटिफिकेशन में, नोटिफिकेशन हिस्ट्री को ओपन करके आपको इसे करना है ऑन। इसके बाद अगर आप देखोगे व्हाट्सएप में अगर किसी भी कॉन्टैक्ट ने मैसेज को डिलीट किया है, जैसे कि इसने मैसेज को डिलीट किया है, अब मुझे नहीं पता ये मैसेज क्या है, तो अगर आपको इसे डिलीट करना हो तो जाइए सेम सेटिंग्स में और यहाँ पे होगा नीचे last 24 hours का ऑप्शन, ये रहा last 24 hours, व्हाट्सएप का आइकन होगा, एरो पे टैप कीजिए और आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो सारे डिलीट किए गए मैसेज टाइम के साथ। आप जब भी अपने फोन में स्क्रीनशॉट कैप्चर करोगे तो आपको मिलता है एडिट का बटन, जैसे कि आप देखोगे आपको यहाँ पे साइड में मिलेगा ये पेंसिल का आइकन, उस पर अगर आप टैप करोगे तो आप अपने स्क्रीनशॉट को कर सकते हो यहाँ से एडिट। तो एडिट करते हुए अगर आपको किसी भी मार्कअप टूल का यूज करना हुआ, जैसे कि ये है मार्कअप का टूल, यहाँ से आप पेन की थिकनेस को, इसके अलावा जो कलर है उसे चेंज कर सकते हो। तो इसमें आपको मिलता है ऑटो शेप करेक्शन का फीचर। मान लेते हैं आपको ड्रॉ करना है ट्रायंगल को, तो आपसे अगर ड्रॉ नहीं हो रहा है ठीक से तो आपको क्या करना है, आपको बस एंड पॉइंट पे टच करना है इसे। आप देखोगे ट्रायंगल परफेक्ट शेप में ड्रॉ हो चुका है, राउंड, स्क्वायर, पेंटागोन, हेक्सागोन। तो किसी भी शेप को परफेक्टली ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ड्रॉ करने के बाद एंड में टच करना है इसे और आप देखोगे इस तरीके से आप किसी भी शेप को ऑटो करेक्ट कर सकते हो काफी आसानी से। अगर आपको अपने फोन में कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो आपको मिलता है उसका प्रीव्यू ऊपर में, आपको पता होगा। जैसे कि अगर मुझे व्हाट्सएप से कोई टेक्स्ट आता है तो इस तरीके से शो करेगा ऊपर में, लेकिन अगर आप इस पे करोगे स्लाइड डाउन तो ये जो ऐप होगा ओपन हो जाएगा डायरेक्टली PIP मोड में, मतलब कि पॉपअप विंडो में, और आप इसकी साइज भी चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। इस तरीके से आप इसे जहां पे चाहे वहां पे प्लेस कर सकते हो। ऊपर में आपको मिलेंगे 3 आइकन, मिनिमाइज करने के लिए, मैक्सिमाइज करने के लिए और इसे क्लोज करने के लिए। हालांकि आप 3 मेनू को हाइड कर सकते हो, आपको बीच वाले लाइन पे डबल टैप करना है इन्हें हाइड करने के लिए, अनहाइड करने के लिए फिर से डबल टैप कीजिए। तो आप उस ऐप को फुल स्क्रीन में ओपन किए बिना इस तरीके से PIP मोड में ही डिप्लाई कर सकते हो काफी आसानी से। इसे मिनिमाइज करने के लिए करना है कॉर्नर से स्वाइप, टैप करके आप इसे ओपन कर सकते हो, और इसे फुल स्क्रीन में करने के लिए आपको करना है इस तरीके से स्वाइप। कई सारे ऐप्स ऐसे होते हैं जो आपके फोन में बैकग्राउंड मिरर कर रहे होते हैं लेकिन आपको पता नहीं होता, तो ऐसे ऐप्स को चेक करने के लिए आपको होम पेज पे करना है स्लाइड डाउन 2 बार और यहाँ पे नीचे आपको मिलेगा एप्स आर एक्टिव का ये ऑप्शन। अगर आपके फोन में ये ऑप्शन शो नहीं कर रहा है, मतलब कि आपके फोन में कोई भी एप्स बैकग्राउंड में रन नहीं कर रहा है, अगर रन कर रहे कोई भी एप्स तो आपको इस पे टैप करना है तो ये कौन से एप्स है और ये कितने टाइम से आपके फोन में बैकग्राउंड में रन कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे टाइम भी देख सकते हो। हालांकि अगर आप चाहो तो इन्हें स्टॉप भी कर सकते हो, आपको स्टॉप पे टैप करना है तो जो भी ऐप होगा वो स्टॉप हो जाएगा और आपके फोन में मेमोरी हो जाएगी क्लीन। इस फोन में आपको मिलता है स्टाइलाइज वॉलपेपर का फीचर, मतलब कि आप अपने फोटो को सेट कर सकते हो वॉलपेपर पे, लेकिन आपको मिलते हैं 15 अलग अलग फिल्टर। तो उसे एक्सेस करने के लिए आपको होम पेज पे लॉन्ग टैप करना है, जाना है वॉलपेपर में, यहाँ पे होगा स्टाइलाइज, उस पर टैप कीजिए। आपको जो फोटो सेट करनी है उसके फोल्डर को आपको ओपन करना है और मान लेते मुझे सेट करनी है ये फोटो, तो मैं इस पर टैप करूंगा इस तरीके से, और नीचे यहाँ पे आपको मिलते हैं 15 अलग अलग स्टाइल जो आप अप्लाई कर सकते हो अपने वॉलपेपर के लिए इस तरीके से। इतना नहीं, आप जो इंटेंसिटी है उसे भी कम ज्यादा कर सकते हो, आपको करना है स्वाइप लेफ्ट या राइट इस तरीके से इंटेंसिटी कम करने के लिए फिल्टर की। आप देख पा रहे हो आपको जितना सेट करना है सेट कीजिए, इस तरीके से आप अलग अलग स्टाइल को सेट कर सकते हो अलग अलग इंटेंसिटी पे, और आपको अगर इसे सेट करना हो वॉलपेपर पे तो कीजिए फिर सेट वॉलपेपर, और सेट करने के लिए आपको करना है टिक पे टैप और
होम या लॉक्सिन, दोनों के लिए तो दोनों के लिए। तो इस तरीके से आपके फोन में वॉलपेपर शो करेगा। आप अपने फोन में अलग अलग एनिमेशन इफेक्ट के साथ लाइव वॉलपेपर भी सेट कर सकते हो। तो आपको होम पेज पे लॉन्ग टैप करना है, जाना है वॉलपेपर्स में, किसी भी एक फोटो पे टैप कीजिए और यहाँ पे होगा एड इफेक्ट, टैप कीजिए। तो यहाँ पे आपको मिलते हैं 5 अलग अलग टाइप के इफेक्ट, जैसे कि है जूम इफेक्ट, स्वे इफेक्ट, फोन मूव करने पे जो वॉलपेपर वो भी मूव करेगा, रिपल इफेक्ट, ब्लर, इसके अलावा जो इंटेंसिटी ब्लर की उसे भी कर सकते हो एडजस्ट। इस तरीके से ब्राइटनेस भी है, तो आप अलग ब्राइटनेस के साथ अपने फोन में वॉलपेपर को यूज कर सकते हो। अब मान लेते मैंने सेट किया है जूम पे, तो आपको करना है टिक पे टैप, होम एंड लॉक स्क्रीन। तो जब भी आप किसी भी ऐप को क्लोज करोगे या आप अपने फोन को लॉक करके अनलॉक करोगे तो आपको मिलेगा ये शानदार सा एनिमेशन इस तरीके से। ये है स्वे इफेक्ट और ये है रिपल इफेक्ट। अगर आप किसी भी वेबसाइट या ऐप में लॉगिन करते हो तो आपको एंटर करना होता है पासवर्ड, लेकिन जब आप पासवर्ड को एंटर करते हो तो आपके जो लेटर्स है वो कुछ मोमेंट के लिए शो करते हैं। इस तरीके से आप देख पा रहे हो मैं कौन सा लेटर टाइप कर रहा हूं, यहाँ पे शो कर रहा है, मतलब कि अगर मेरे बगल में कोई बैठा होगा तो जान जाएगा मैं कौन सा पासवर्ड टाइप कर रहा हूं। तो अगर आप चाहते हो ऐसे लेटर शो ना करें पासवर्ड टाइप करने पे, तो आप इसे हाइड भी कर सकते हो हमेशा के लिए। तो आपको जाना है सेटिंग्स में, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में, प्राइवेसी कंट्रोल का ऑप्शन होगा यहाँ पे, प्राइवेसी का टैप कीजिए और ये रहा प्राइवेसी कंट्रोल, इसे ओपन करके जो ऑप्शन है शो पासवर्ड आपको इसे करना है डिसेबल। इसके बाद अगर मैं अपना पासवर्ड एंटर करूंगा किसी भी ऐप या वेबसाइट में, तो आप देखोगे अब मुझे इस तरीके से लेटर शो नहीं करेंगे, अब लेटर यहां पे हो चुके हाइड। इस फोन में आपको मिलता है मल्टी वॉल्यूम का फीचर, मतलब कि आप अलग अलग तरीके से अलग अलग ऐप में वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहां पे दो ऐप को ओपन किया है, ये है यूट्यूब क्रोम ब्राउजर में और ये है विंक म्यूजिक। जैसे मैं इन्हें प्ले करूंगा और वॉल्यूम बटन पे प्रेस करूंगा, तो आप देखोगे अब मुझे यहां पे शो करेंगे दो आइकन, क्रोम के लिए और विंक म्यूजिक के लिए। तो विंक म्यूजिक प्ले हो रहा है इस साउंड लेवल पे जो मैंने सेट किया है और क्रोम प्ले हो रहा है मैक्सिमम लेवल पे जो मैंने सेट किया है। तो इस तरीके से आप अलग अलग ऐप के लिए अलग अलग वॉल्यूम लेवल को सेट कर सकते हो। तो इसे इनेबल करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, साउंड एंड वाइब्रेशन में और यहां पे होगा मल्टी वॉल्यूम, आपको इसे करना है ऑन। इस फोन में आपको मिलता है पिक डिस्प्ले का फीचर, मतलब कि आपके फोन में अगर डिस्प्ले ऑफ है और अगर आप इस पे सिंगल टैप करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे ये पिक डिस्प्ले, जहां पे शो करेगा बैटरी लेवल, क्लॉक, फिंगरप्रिंट आइकन और नोटिफिकेशन आइकन। तो अगर आप इस क्लॉक स्टाइल पे लॉन्ग टैप करोगे तो आप इस स्टाइल को चेंज कर सकते हो इस तरीके से। अगर आपको चेंज करना हुआ तो डन कीजिए। इतना ही नहीं, अगर आप किसी भी आइकन पे लॉन्ग टैप करोगे तो आपको शो करेंगे मैसेज, तो आप अपने ऐप को ओपन किए बिना जो मैसेज है उसे रीड कर सकते हो इस तरीके से। आप देख पा रहे हो मैसेज यहाँ पे शो कर रहे हैं। मान लेते मुझे करना है रिप्लाई, तो आपको इस आइकन को ड्रैग करके इस पे प्लेस करना है, तो आप देखोगे आपको मिलेगा रिप्लाई करने का फीचर, मतलब कि आप उस ऐप को ओपन किए बिना रिप्लाई कर सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आप किसी भी ऐप आइकन पे लॉन्ग टैप करके उसे ड्रैग करोगे फिंगरप्रिंट आइकन पे, तो जो ऐप होगा ओपन हो जाएगा इस तरीके से डायरेक्टली। तो पिक डिस्प्ले के फीचर को ऑन करने के लिए आपको जाना है सेटिंग्स में, डिस्प्ले में और यहाँ पे होगा पिक डिस्प्ले, इसे ओपन कीजिए और इसे कीजिए ऑन। इसके अलावा आपको जाना है सेटिंग्स में और यहाँ पे जो ऑप्शन है सेफ रिप्लाई, आपको इसे ऑन करना है ताकि बिना पासवर्ड के कोई भी मैसेज को रिप्लाई ना कर सके पिक डिस्प्ले पे। दोस्तों तो ये थे वो टॉप 10 हिडन फीचर्स जो आपको देखने मिलते हैं मोटोरोला एज 40 में। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे, मतलब कि एक्स ऐप पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।